ऐसे हम लोग इस पर शिफ्ट कर रहे हैं। 140 किलो। तो ये देखिए भाई, हम लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दुकाडी में आके वूजा अपना हम लोग बेच रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीर, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटो एक्साइडर में। तो ये देखिए, ये है भाई सुब्रनील अपना हायाबुसा पे। हम लोग अभी हायाबुसा चला रहे हैं। अब भाई ये ब्लॉगिंग करते हुए देख लीजिए इसका सेटअप, जिसको देखना है कैसा सेटअप है इसका। और अभी हम लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं डुकाडी शोरूम, वहाँ पर एक बाइक आने वाला है डुकाडी का, जिसका यही महीने डिलीवरी है 14th को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 14th को आया डिलीवरी के लिए, कौन सा बाइक है क्या है ये चल के शोरूम में देखा जाएगा। अब पहुंचने वाले हैं जो बाइक का शोरूम है डुकाटी का, रास्ता में है। फिलहाल आज हम लोग पीछे बैठे हुए हैं, पीछे बैठ कर वेट करो। और ये देखिए फाइनली हम लोग आ गए हैं डुकाटी हेयर, वी आर डुकाटी राइट। तो ये देखिए, ये है अपनी भूसा देख सकते हैं, और ये अपना भाई चला रहा था। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं डुकाडी के लिए। देखिए रोहित भाई खड़ा है। हाँ अरे तो मेरा आज तो आया है, सैटरडे को जाके अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए नहीं तो मज़ा चला जाएगा 14 का। तो ये देखिए भाई, हम लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डुकाटी में आके वूजा अपना हम लोग बेच रहे हैं। लास्ट में इसे हम लोग इस पे शिफ्ट करें, इसे हम लोग इस पे शिफ्ट कर रहे हैं। वाह वही तो हम बोल रहे हैं, कोई किक नहीं है इसमें बट बहुत मजा है। तो ये देखिए सुब्रनील दत्ता किस पे आ गया स्कूटी पे, ये स्कूटी का टेस्ट ड्राइव ले रहा है ना। ये इन शॉर्ट इलेक्ट्रिक बाइक है, आप लोग देख सकते हैं, बट पूरा स्कूटी वाला फीलिंग दे रहा है भाई, कोई ब्रेक नहीं कुछ नहीं देख लो ठीक है। और ये देखिए डुकाटी कोर्स से आप देख सकते हैं, टी शर्ट देख सकते हैं डुकाटी कोर से। डुकाटी वाला अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक सेल करवा रहा है, बहुत बढ़िया है, कोई तेल वेल का सीन नहीं है। देखिए ये सेल करवा रहा है। आप लोग देखिए ये देख लो भाई मजा देखो। ये देखिए ये अपने हम लोग भूसा से आए थे डुकाटी के, यहाँ पे देख सकते हैं डुकाटी से हम लोग अचानक शिफ्ट हो गए टॉर्क मोटर, जो लेके इलेक्ट्रिक बाइक है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे खड़ी है, और हम लोग अभी जो है इसका टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सोच लिए काफ़ी सारा। देखिए भाई एक बाइक अपनी है पेट्रोल पे ठीक है, तो दूसरी हम लोग सोच रहे इलेक्ट्रिक में शिफ्ट कर लें, या फिर इसको छोड़ ही दिया जाए, बहुत खर्चा करवाती है, इतना खर्चा और मैनेज नहीं होता है। तो यही हम लोग सोच रहे थे कि इसको छोड़ के यहाँ से हम लोग पास में ही तो है शिफ्ट हो जाया जाए, तो क्या बोलते हैं आप लोग। और अंदर में देखिए बिश जो है खड़ी है, ध्यान से देखिए पर्दे के पीछे, जो कि हम लोग को 14th को डिलीवरी मिलने वाली है। तो चलिए भाई का हम लोग वेट कर लेते हैं। भाई ये राइड करके आ गया है ठीक ना, तो कैसा लगा एक्सपीरियंस है ना। ये इतना बवाल चीज़ है, मतलब आप बैठ के देखिए, आप जब ऐसे एक्सीडेंट मोड़ेंगे ना घप करके निकलेगा। स्कूटी भी आपको समझ आता है हाँ कुछ चल रहा है, इसका आपको समझ भी नहीं आएगा, ऐसे एफ की चल दिया ऐसे फीलिंग से है ना। चलिए तो ये देखिए, ये हम लोग कहीं ना कहीं आ गए हैं इस पर। वाह ब्रेकिंग तो इसका अच्छा है। हाया भूसा से इलेक्ट्रिक में आ गया भाई, बहुत भूसा खाता है, कितना पेट्रोल बचाना है रे बाबा। इसमें तो साउंड ही नहीं है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे ई रिक्शा चलाया जा रहा
है ना। ये पूरा ई रिक्शा वाला फीलिंग है, साउंड भी वैसे है मोटर का। ये देखिए, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कोई साउंड नहीं है। ओह जी, फिर हम लोग आ गए। पूरा देखिए रास्ता जो है जाम लग गया है कहीं ना कहीं। तो ये देख सकते हैं अपने जो इलेक्ट्रिक, हम लोग ऐसे छोड़ के खड़े हो सकते हैं क्योंकि इसमें कोई गियर का फंक्शन नहीं है। और ये देखिए पुश, ये ऑन, ये ऐसा है भाई। देखिए गाड़ी साइड कर ली है। देख रहे इलेक्ट्रिक गाड़ी की कितनी इज्जत है, बंदे लोग देख के साइड कर ले रहे हैं। ब्रेकिंग भी इसका बहुत अच्छा है, हम लोग जो चला कर भी देख रहे हैं। सिग्नल यार इतना लंबा क्यों देता है। अब पावर देखिए, ये देखिए भाई। और ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मोड में हम लोग चला रहे हैं तो ये 80 का माइलेज देगी, मतलब 80 किलोमीटर तक जाएगा। हम लोग अगर इको मोड में चलाते हैं तो 110 जाएगा। और ये गाड़ी 870 किलोमीटर चलोगे। चलिए यहाँ से हम लोग को राइट, तो यहाँ से हम लोग को राइट जाना है। किसी को पता ही नहीं बाइक स्टार्ट है या ऑफ है, मतलब नो साउंड भाई, कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं। सोचो आप, वो स्कूटी तक का साउंड आप लोगों को सुनाई देता होगा बट इसका कोई साउंड ही नहीं है। ये देखिए उठा देना। हेवी है भाई, ये तो पीछे ढूल रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं, S1000 तो नहीं, S1000 तो लेना ही होगा। ये पीछे जाने से कैसे बाइक में? तो ये देखिए, ये अपनी इलेक्ट्रिक डिस है, ये दोनों डिस है भाई। अच्छा है बाइक तो, बहुत सही चीज है। हाँ साउंड जितना कम है लेकिन टाने में बहुत अच्छा, ब्रेकिंग भी अच्छा है, डबल डिस दिया है। एग्जैक्टली साउंड नहीं होगा पर डबल डिस है। तो भाई को बोल रहे हैं भाई अपना बाइक कैंसिल करके ले, ये एक तो ले। नहीं, हम वहाँ का जो पैसा दिया ना वो रिफंड मार लेते, ये ले लेते। ये BMW वाला रिफंड लेके यहाँ डाला जाए, दोनों का रिफंड ले लेते। आप एक ब्लैक वाला उठा लीजिए, हम एक व्हाइट वाला उठा लेते, ठीक है, सही होगा। इसका कलर भी बहुत सेक्सी लग रहा है, आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर है। इसका जो पैनल का डिजाइन है ना, वो GSX-750 ऐसा कर दिया है। अरे हम तो बोल रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं, इसमें का जो डिस है ना भाई, एक्चुअली में काम कर रहा है बहुत अच्छा। एक्चुअली ना ये सब मैं अभी ले मेरा अगर स्कूटी पे। हम लोग जो है डुकाटी से निकल चुके हैं, अपनी भूसा पे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो एक बात मैं आप सबको बता दूं भाई, कि बात हो रहा है भूसा का एग्जॉस्ट चेंज करने के लिए, लेकिन हम लोग को एग्जॉस्ट चेंज नहीं करना है क्योंकि ये एग्जॉस्ट में लुक अच्छा है। तो आप लोग बताइए क्या किया जाए, ये लुक आप लोगों को पसंद है भूसा का, या कुछ न्यू लुक ट्राई किया जाए। और ये शुभ्रनील भाई जो अपना अभी भूसा चला रहे हैं, हम लोग पीछे बैठे हुए आराम से। तो देखिए भाई, ये कहीं ना कहीं हम लोग जो फाइनली ये खा लिए हैं, खाने का आप लोगों को नहीं दिखाया क्या क्या खाया। ये देखिए भाई जो है अब भूसा निकाल रहा है, तो इसका एक स्टोरी के लिए डाला जाए। चलिए ठीक है, आ जाए तो काफ़ी है। तो भाई यार कहीं ना कहीं स्टोरी भी रेडी है। हाँ चलिए, भाई को स्टोरी कहीं ना कहीं दे दिया गया है, भाई भी ये कर रहा है। बढ़िया बढ़िया स्टोरी बना है, हेवी बनाना है स्टोरी, बढ़िया बढ़िया स्टोरी बना है। ये बहुत सही लग रहा है एकदम, सोफा में हम लोग हेलमेट के साथ। ये बाबा हम ये फेसबुक डाला बोल रहे हैं, भारी पाप हो गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग बर्खास्त से निकल गए हैं, भाई जो है राइड कर रहा है भूसा। फाइनली हम लोग निकले इधर से, पार्क सर्कल से सामने 7 पॉइंट। तो ये देखिए निकल गए हम लोग। आइए भाई, आज अच्छा लगा।
आज फाइनली हम लोग दुकाड़ी से निकल के खा भी लिए, अब हम लोग चलते हैं घर के तरफ। और ये आ गया कहाँ, सेवन पॉइंट, इसको सब कोई बोलते हैं सेवन पॉइंट। अब मज़ा आया यार, मज़ा आया यहाँ पे खा के। दो जन हम लोग थे, ये देखिए बुलेट वाले भाई लोग, ये लोग देख रहे हैं, इसको बोला जाता है पब्लिक रिएक्शन, भूसा खड़ा होगा पब्लिक रिएक्शन है, भैया भी देख रहे हैं। सेवन पॉइंट, आई डोंट नो आप लोग एंगल व्यू क्या क्या आता होगा, कैसा आता होगा। क्या हुआ, ये देखो सिगरेट फूंक रहा है। तो यहाँ से हम लोग जो है स्वाइप कर रहे हैं, पीछे बैठ के वो फ्यू ले लेते हैं। हाँ आ जा। तो भाई जो है बैठ गए हैं, और ये देखिए ये कहीं ना कहीं सिग्नल खुल गया है, तो अब हम लोग आ गए हैं ड्राइवर सीट पे। अब भाई जो है पीछे बैठा है, तो चलिए वीडियो को एंजॉय किया जाए, और एंजॉय ऐसे नहीं अच्छे तरह से, यहाँ से अब हम लोग राइडिंग कर रहे हैं, राइडिंग एक्सपीरियंस लिया जाए। अब भाई क्या बोला जाए, आज खा के सच में मज़ा आ गया, पूरा पेट भर गया। ऐसा फील होता है भाई पीछे बैठ के जैसे टॉप फ्लोर का बंदा बैठा हुआ है। ये देखिए सूरज कुछ ज़्यादा ही आज डार्क है, चमक रहा है, हम लोग एकदम फोकस दे रहे हैं। भाई तुम लोग रहो, आज का वेदर बहुत अच्छा था, बट कहीं ना कहीं अपनी जो बाइक है सुबह जो है कंफर्मेशन हम लोग के पास नहीं था कि आया है कि नहीं, नहीं तो आज हम लोग अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाने वाले थे BMW का। और आप लोग एक बात नहीं भूलिएगा, 14 को हम लोग की डुकाटी की डिलीवरी है, तो सब कोई प्लीज़ याद से 14 को चले आना मोहन मोटर्स जो कोलकाता में है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, कि हम लोग आगे भी और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सके ज़्यादा से ज़्यादा। और देखिए अपने पास तो हाँ ठीक है, टेनर जो है कहीं ना कहीं अपने पास है ही, भूसा भी है, BMW आ ही जा रही है, तो और अपने पास क्या है, डुकाटी वो भी आ रही है, तो बच कौन सी रही है अब कमेंट करके बताएं। एंड नेक्स्ट बाइक कौन सा लेना है आप लोग, कौन सा बाइक देखना है अपने पास, आप लोग बोलिएगा। सब स्पोर्ट्स सेगमेंट का है, स्पोर्ट्स सेगमेंट का है, कोई टूरर सेगमेंट, तो आप लोगों को ये छोड़ा जा रहा है कि कौन सी कंपनी की नेक्स्ट बाइक होनी चाहिए। और बहुत जल्द हम लोग सुने हैं कि आपका RRR जो है होंडा का फायरब्लेड वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में, तो वो अगर लॉन्च होगा तो देखा जाए उसका कि हम लोग लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, लेना चाहिए वो बाइक? और नेक्स्ट बाइक प्लीज़ बाइक हो या कार हो, क्या लेना चाहिए हम लोगों को वो बताइए। अच्छा चलिए, अब थोड़ा भाई पीछे बैठा है तो इसको मज़ा दिखाया जाएगा। ये देखिए भाई मजे, ये भाई जो है पीछे बैठ गया, इसका टेंशन है ना। भाई बोला थोड़ा सा पुल लगा और उसका अवस्था खराब हो रहा है। बवाल आया, तो भूसा आपको सीटी रहा कि भाई आप लोगों ने सुना क्या हुआ है, बंदा पूछ रहा कितना सीसी का बाइक था, पीछे भाई बैठा हुआ है बोल रहा है 130 सीसी।
बंदा बोल रहा है बाबा अब वो खुद 150 सीसी का बैठा हुआ है, क्या मतलब है? बोला जाए भाई